गाइस मैं पहुंच गया हूं घर। और आज की खुशखबरी ये है कि दृष्टि जो है वो 10th में पास हो गई है। तो गाइस हो गए तैयार और जा रहे हैं ऑफिस। और आज भी देखो पानी भरा हुआ है बिल्कुल यहाँ पे, हालांकि आज मौसम साफ है। तो चलो फटाफट चलते हैं और ऑटो पकड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, जल्दी से चलते हैं। देखो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं आज खड़ा हूँ 42-43 के चौक पे और यहाँ से पकड़ेंगे आज बस, क्योंकि मैं हूँ थोड़ा सा लेट। तो यहाँ से बस अभी निकलेगी तो मैं यहीं से पकड़ लूँगा। और आज हमारे ड्राइवर साहब की तबीयत ख़राब हो गई है, तो मैंने उनसे बोला कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो वो कहते हैं कि भी किसी और को फ़ोन करो। और कुदरती मेरे पास किसी और का जो स्टाफ बस में आते हैं उनका नंबर ही नहीं है। तो यहाँ पे खड़ा हूँ, तो देखता हूँ यहाँ से अभी आएंगे और मैं उनको पकड़ लूँगा। गाइस तो मैं चल रहा हूँ इस समय सेक्टर 22 में और मैं जा रहा हूँ पुष्पा की चिमनी लेनी है। ये किरण थिएटर है, तो गाइस मैं पहुंच गया सेक्टर 22 की शास्त्री मार्केट। वो देखो ये शास्त्री मार्केट, यहाँ पे पहुंच गया हूँ मैं। अब देखते हैं यहाँ पे चिमनी मिल जाएगी तो। वाह ये देखो गाइस, देखते हो वैसे ऐसी मार्केट में भी घूमना चाहिए, लेकिन फैमिली के साथ घूमना चाहिए और पैसे थोड़े सोच समझ के खर्चने चाहिए, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि लेना क्या है। चुन्नी मिल गई है, अब जा रहे हैं घर को। अब 22 की मार्केट में शोरूम है बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज्वेलर्स के, बहुत ही ज़बरदस्त। चलते चलते थक गया यार, इस रास्ते पर एक्चुअली ना ऑटो नहीं मिलते हैं और बस, और जो मिलते हैं वो मन मने पैसे। बताइए जिस चीज़ के 20 रुपये लगते हैं उस तरह 80 रुपये क्यों देगा, है ना, बहुत ज़्यादा एकदम ही, मतलब यहाँ से वहाँ तक के मांग लेते हैं यार 80 रुपये 70, कमाल है। जैसे कोई नया आया हो, सब कोई भला मानस मिले जो ठीक ठीक पैसे ले ले, जो बनते हैं जायज़ पैसे लो। और तो कहीं तो नाजायज़ इतना नाजायज़ कर देते हैं ना भाई, गॉड एकदम से 80 रुपये 70 रुपये। तो गाइस पूरा 22 स्टॉप पे आ गया मैं यहाँ 17 वाले चौक पे जो दूसरी तरफ है। अब यहाँ से तो होपफुली मिल ही जाएगा, क्योंकि तो यहाँ से सीधा सीधा है ना, यहाँ से चलते हैं। अब 2 किलोमीटर तो चल लिया हूँ आज। गाइस मैं पहुँच गया हूँ घर और आज की खुशखबरी ये है कि दृष्टि जो है वो 10th में पास हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और गाइस पुष्पा देखो क्या लाई है, ये देखो, तो सबको बांटने के लिए इधर मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे और क्या, और हम भी खाएंगे थोड़ी थोड़ी। अब चलो मैं चाय बनाता हूँ, पहले आज समोसे भी आ रखे, तो पहले समोसे और चाय खाएंगे, चाय पियेंगे और समोसे खाएंगे, तो चलो चाय बनाएंगे। तो गाइस चाय के साथ समोसे खाने हैं ना, तो देखो चाय तो बन रही है। और ये देखो बैंगन, आज बनाएंगे बैंगन का भरता, ठीक है। तो अब चलो बैंगन को कर देता हूँ मैं, या पहले चाय पी ली जाए, पहले चाय पी लेते हैं। तो गाइस ये देखो आ गए समोसे, और ये पुष्पा भी खा रही है, देखो समोसा खा रही है, पर जो ला गया चलो खा लो भी समोसे, और समोसा पार्टी होगी चाय के साथ समोसा, और बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में, तो खाने में पता नहीं कैसा होगा। तो गाइस बैंगन रख दिए हैं और अब इन्हें अच्छे से भून के फिर उसके बाद इसका भरता बनाएंगे। चलो जी तेल डालो इसमें, ये सरसों का तेल, और देखो भरते का बना दिया भरता। तो चलो अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। तो गाइस चलिए अब इसमें मसाले डाल देते हैं, ये आगे और ये आगे हल्दी, और ये आ गया धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, और बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आँच देखो बिल्कुल कम कर रखी है, और अब इसमें डाल देते हैं हम अपना बैंगन। तो बस गाइज अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा टमाटर। तो गाइज ये देखो इसमें टमाटर डाल दिया, और अब इसमें टमाटर को थोड़ा सा गलने देते हैं। तो गाइज देखते हैं अब इसमें क्या हुआ। ओहो टमाटर तो बिल्कुल गल गया है, ठीक है, इतना इतना तो दिखना भी चाहिए, थोड़ा खड़ा खड़ा टमाटर दिखना चाहिए। अब इसमें क्या करना है गाइस, अब जो मैं करता हूँ ये देखो, ये मैंने प्याज रखे हुए, इनको मैं इस तरह से अलग अलग कर लेता हूँ, ये हो गए अलग, और अब इसको इसके ऊपर
ये इस तरह से, तो मैं ये इस तरह से बनाता हूँ बस। ये इस तरह से इसमें प्याज डाल दिया ऊपर से, और ये देखो ये काटा मैंने धनिया, और इसमें थोड़ा सा आधा धनिया इसी के ऊपर रख के, और इसको ढक दूँगा, और अब बनेगा भरता लल्ली भाई स्टाइल। तो चलो गाइस देख लेते इसमें क्या बना है हमारे भरते का। ओ वाह जी वाह, प्याज देखो कैसे घुलने लग गया उसमें, और ये पानी इतना ज़्यादा कैसे छोड़ दिया इसने। अब इसका हम पानी सुखा देते हैं थोड़ा। अब इसको मिला लेंगे सारा, तो ये अब थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा प्याज और थोड़ा पका पका प्याज, और सब मस्त मिक्स, और हमारा भरता हो गया रेडी। तो गाइस डिनर आ गया है, और भरता देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो मैं करता हूँ डिनर, और उसके बाद करूँगा एडिटिंग। तो होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गुड नाइट।